दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ मंगोलपुरी फैब्रिक मार्केट में, जो कि काफ़ी फेमस है अपने फैब्रिक्स के लिए और अपने कलेक्शन के लिए। तो आज है 1 दिसंबर, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दिसंबर की बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन मंगोलपुरी फैब्रिक मार्केट की। ये सारे वीडियोस में एक एक करके आपको दिखाऊंगी और इसका पार्ट 2 जो है वो कल शाम को 9 बजे मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको इंद्रलोक मार्केट का पार्ट 1 देखना है तो आप आइएगा कल शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे मैं इंद्रलोक मार्केट का पार्ट 1 कल अपलोड कर दूंगी। तो ये सारी वैरायटी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये वो है जहाँ से आप लोग वॉक करके मार्केट में एंटर करते हैं, बाय रिक्शा और बाय बस जो भी है। ये मार्केट का एंट्रेंस एरिया है जिसके बारे में सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पर सरप्राइज़ कुछ और है। इस मार्केट में एंटर करने से पहले ही सड़क क्रॉस करके यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शॉप मुझे मिली विंटर कलेक्शन के लिए, एंड हेयर इट इज़। मतलब ये एक दुकान पूरे सरोजनी नगर पर भारी है। आई मस्ट से मैं 2 वीक्स पहले ही अभी सरोजनी नगर का ब्लॉग बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। बट सीरियसली मुझे वहाँ पर भी ये सारी वैरायटी नहीं मिली। एंड लुक एट द प्राइस, कुछ भी आप इनसे ले लो सिर्फ 150 रुपीज़ का है। इतनी अच्छी कलेक्शन है ना, मुझे वीडियो बनाते बनाते भी इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। जब कुछ अच्छा मिल जाता है ना, कोई अच्छी मार्केट, कोई अच्छी शॉप, तो अपने आप मन करता है कि यार एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में दिखाओ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक है, इनके पास सारा कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और सारा फ्रेश है। किसी भी फैब्रिक पर आप फर्ज नहीं देखोगे, रुएं नहीं है किसी पर भी, और ये सब कुछ सिर्फ 150 रुपीज़ का है। आई वॉज सो हैप्पी टू नो। अनफॉर्चुनेटली इनके शॉप का कोई नंबर नहीं है, बट इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। अगर आप हेल्दी हो तो भी आप इनकी शॉप पर जा सकते हो, अगर आप स्लिम ट्रिम हो तो भी आपके लिए इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। मतलब सरोजनी नगर में इस प्राइस में जो कपड़े थे उनमें तो हाथ डालने का भी मन नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे भैया ने बिल्कुल सिलेक्टिव पीसेस रखे हुए हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। मतलब जो विंटर की ड्रेस है तो वो प्रॉपर ड्रेस है, टी शर्ट है, तो मतलब लग रहा है कि हाँ भाई एक समझ आ रहा है जिसको कहना चाहिए कि कैसे पहना जाएगा। ये देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक है, ये भी वूलन में है। जितनी भी वूलन में स्टाइलिश ड्रेसेस है ना वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। आगे हालांकि मैंने और पूरी मार्केट में कवर किया है वेस्टर्न कलेक्शन, बट दिस वन वॉज द बेस्ट। तो इनकी टाइमिंग है 11 AM to 6 PM। शॉप का नंबर नहीं है, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। मार्केट में एंटर करने से पहले आपको सड़क क्रॉस करना है, वहाँ पर ये शॉप आपको मिल जाएगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक है ये, और ये भी काफ़ी हैवी है, वूलन है, वूलन में है, ये स्टाइलिश भी है और आपको ठंड से भी बचाएगा। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है इसका, कितना खूबसूरत पीस है ये। दिस इज़ ऑल फॉर ₹150 और सब कुछ एक से बढ़कर एक है। ये सारी ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, ये देखो ये लॉन्ग में भी हैं अगर आपको वेस्ट से भी लंबा ड्रेस चाहिए नी लेंथ तक का। ये कुछ कुर्ती टाइप है, सब कुछ 150 का है। तो इनका फ़ोन नंबर मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको बल्क में भी लेना हो तो आप इनसे ले सकते हो, वैरायटी की कोई कमी नहीं है। ये देखिए लाइट लेमन कलर की वूलन फ्रॉक है ये, काफ़ी स्टाइलिश स्मॉल साइज में। तो अगर आप आ रहे हो ना मार्केट, इस शॉप को ज़रूर ज़रूर एक्सप्लोर करना, आपको 100% यहाँ पे अपने लिए कुछ अच्छा मिलेगा। ये देखिए ये बहुत ही स्टाइलिश पीस है,
स्पोर्ट्स लुक में भी है, हुडी भी है और नीचे ये नी लेंथ तक की है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग है। नीचे वेयर करने के बाद ये ऐसा हो जाता है जैसे आपने मिनी स्कर्ट पहना हो। ये इतना स्टाइलिश पीस है दैट आई जस्ट लव्ड इट, और ये मैंने इनसे परचेज भी किया है। इट्स सो ब्यूटिफुल। इसके साथ मैंने बूट्स वेयर किए थे, मैंने जस्ट ट्राई किया था, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। तो ये है अमन भैया। सामने मार्केट एंट्री करने से पहले ही आपको यहाँ पर इनकी शॉप मिल जाएगी कॉर्नर पर। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ज़रूर एक बार विज़िट करना। तो अब मैं मार्केट में एंटर अभी भी मैंने नहीं किया है, बाहर ही मार्केट के जहाँ पर अभी आपने देखा एंट्री एरिया, वहाँ पर एक भैया रेडी लेकर ये लहंगा सेल कर रहे हैं। इनकी जो प्राइस रेंज है वो 2500 रुपये से 5000 है, बट आई होप नेगोशिएबल है। इनके पास ये काफ़ी ब्यूटीफुल ब्राइडल लहंगा है एंड दिस इज़ ओनली फॉर 2500 रुपीज़। यस, और ये काफ़ी खूबसूरत है, माइक्रो वेलवेट है, अंदर कैन कैन भी लगा हुआ है। दिस स्काई ब्लू वन इज़ फॉर 2500 रुपीज़, गर्लिश लहंगा है। बट एज़ यूजुअल आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ए टू जी जो भी लो, द टाइम यू आर गोइंग टू पे द मनी जस्ट चेक द पीस प्रॉपरली। चाहे जो मैंने रिकमेंड की है वो शॉप हो, चाहे ये लहंगे हो, चाहे शोरूम हो, कुछ भी हो, कोई भी कपड़ा आप लेने से पहले प्लीज़ अच्छे से उसे चेक ज़रूर किया कीजिए। इनके पास ही ये इनका भी विंटर कलेक्शन है, 150 से 200 रुपीज़ में आपको यहाँ पे ये टी शर्ट्स मिल जाएंगी, स्वेट शर्ट्स मिल जाएंगी। ये पोचू है, ये भी 200 का है। तो ये मार्केट में एंटर करने से पहले ही बाहर ही अपनी शॉप लगाते हैं। ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये कुर्ती की शॉप आप सब जानते ही होंगे, मार्केट में एंटर करने से पहले ही राइट हैंड साइड में पड़ती है, बस वाला नाम से भैया की शॉप है। तो अभी भी इनके पास वूलन कलेक्शन नहीं आया है, मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि दिसंबर लग चुका है, थोड़ा बहुत वूलन इन्हें रखना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज़ हैं इनके पास 400 की, इस तरीके की स्ट्रेट फिट कुर्ती आपको 300 की मिलेगी, और अगर आप कुर्ती प्लाजो वाला सेट लोगे तो वो आपको 500 का मिलेगा। इनकी कुर्तीज़ हमेशा स्टाइलिश होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी होती हैं। ट्रिपल एक्सल तक का भी साइज़ आपको इनके पास मिलेगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस। और ये वाली जो कलेक्शन है ये सारा स्ट्रेट वाली कुर्ती है, कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें भी, साइजेस भी आपको सारे मिल जाएंगे। ये वाली कुर्ती आपको 300 की मिलती है, और जो फ्रॉक स्टाइल में होती है या ए लाइन वाली कुर्ती होती है वो आपको इनके पास 400 रुपीज़ की मिलेगी। जैसे ये वाली आप देख रहे हो, बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक की कुर्ती है फॉर 400 रुपीज़। तो ये शॉप बिल्कुल मार्केट में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगी। ये है भैया का कार्ड, ये कुरियर भी कर देते हैं, बट डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं, कुरियर चार्जेस भी लगेंगे। तो आप देख रहे हो ये सामने जो ऑटो खड़ा है इसी के पास वो वाली शॉप है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई है। अब मैं मार्केट में एंटर कर चुकी हूँ, ये कुर्ती वाली शॉप है, और बाहर ही भैया ने 200 रुपीज़ में भी कुर्तों की सेल लगाई हुई है। तो जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी नीड है, आप यहाँ से कुर्तीज़ ले सकते हैं। सो नाउ आई एम ऑन शॉप नंबर 477। मेरी एक व्यूअर हैं जो कि लेदर जैकेट्स के बारे में पूछ रही थी, तो शिवांगी जी अगर आप मंगलपुरी मार्केट आ सकते हैं तो इस वाली शॉप पर आपको ज़रूर लेदर जैकेट मिल जाएगी इन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। जैसे ग्रीन वाली आप देख रहे हो 350 रुपीज़ की है ये। इनके पास बाकी जो सारा आप देख रहे हो मेनली काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में है, 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक में, और जो लेदर वाला है वो आपको 500 से 1200 के बीच में मिल जाएगा क्योंकि वो प्योर लेदर में है। इनके पास प्योर फर में भी है, ये देखिए ये भी प्योर लेदर की जैकेट है, प्रिंटेड वेरी ब्यूटीफुल। ये श्रग मिल जाएगा आपको इनके पास, ये सब 200, 250, 300 सबका यही रेंज है, सब पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा हायर नहीं है इनके पास। शॉप नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको इनका कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो। ये देखिए फर वाली जैकेट्स हैं, ये काफ़ी ट्रेंडिंग हैं आजकल आपको पता है।
आउल प्रिंट, चीता प्रिंट, लॉयन प्रिंट, ज़ेब्रा प्रिंट सारे मिल जाएंगे आपको इनके पास। और ये तो इनकी इतनी शॉप की कलेक्शन है। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज इन होल सेल तो इनका अपना गोदाम है, आप वहाँ पर भी जाके होल सेल में बहुत सारे पीसेस ले सकते हैं। ये सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं इनके पास, और बाहर इन्होंने ये ब्लेजर्स लगाए हुए हैं, 200-300 यही इनकी रेंज है। और ये लॉन्ग वाले नहीं हैं, नी लेंथ तक के नहीं हैं, वेस्ट साइज तक का है। इसमें भी कलर वगैरह बहुत सारे हैं। नीचे इनके पास स्पोर्ट्स वाली जैकेट हैं सारी। तो शॉप नंबर मैंने आपको इनका बता दिया है। इन भैया का नाम है राजकुमार, और इन्हीं के एक ब्रदर हैं जो कि शॉप नंबर 155 में है, योगेंद्र नाम है उनका। तो अब मैं आपको उनकी शॉप पर लेकर चलती हूँ। इससे पहले इनके पास ही एक और वैरायटी है 50 रुपीज़ की। ये पजामाज भी हैं, अपर्स भी हैं, ये सारा 50 रुपीज़ है। और ऐसा नहीं है कि यूज्ड या ऐसा है, अच्छा है, ठीक है, फ्रेश ही लग रहा था सब कुछ, 50 रुपीज़ का है, ठीक है। ये है भैया की शॉप का आउटर लुक। अब मैं इनके ब्रदर वाली शॉप पे ले आई हूँ, शॉप नंबर 155। तो इनके पास तो भाई बिल्कुल हॉलीवुड वाली ड्रेसेस हैं। विंटर की मैं बात करूँ तो ये देखिए, हालांकि दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ फैशन, इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स, यू कैन श्योरली कम हेयर शॉप नंबर 155, मिस्टर योगेंद्र विल अटेंड यू। ये देखिए, ये प्योर लेदर का है, ब्लैक कलर का कोट। तो इनके पास भी ये लेदर का जो आइटम है ना, वो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। प्योर लेदर की मैं बात कर रही हूँ, 1000 से 1200 की रेंज में आपको ये वाले मिल जाएंगे, हैवी हॉलीवुड स्टाइल की जो स्वेटर्स हैं। बाकी सारा जो आप देख रहे हो वो ऐसे ही है, 500 तक की रेंज का। ये है भैया का कॉन्टैक्ट नंबर, और शॉप था 155। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड शॉप नंबर 157। यहाँ पर है वूलन कुर्ती सेट, आपको मिलेगा 600 रुपीज़ का। और अगर आप सिंगल कुर्ती इनसे लेंगे तो ये 350 रुपीज़ की मिलेगी। आगे मार्केट में मोस्टली 3-4 जो शॉप्स मैंने और कवर की हैं, तो उसमें सेट आपको 700 का मिल रहा है, यानी कि कुर्ती और प्लाज़ो, और सिंगल कुर्ती आपको 400 रुपीज़ की मिल रही है। इनके पास ये वूलन पजामीज भी मिल जाएंगी 200-300 की। और अब हूँ मैं शॉप नंबर 163 पे। इनकी शॉप का अट्रैक्शन है ये सीक्वेंस वाले बैग, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ये 150 रुपीज़ के हैं मीडियम साइज़ के, ये 100 रुपीज़ के हैं स्मॉल साइज़ के, एक पॉलीथिन जितना साइज़ है इसका। और ये है ब्यूटीफुल पोटलीज, अगर आप मैरिज या पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं सो आप इस तरीके की पोटलीज ले सकते हो। थोड़ी बड़ी लेना जिसमें आपका फ़ोन ज़रूर आ जाए, और इसके अंदर जो सामान उन्होंने स्टफ़ किया हुआ है वो उसके साथ आपको 100 रुपीज़ की दे रहे हैं, कितना बड़ा दिल है इनका। और ये बड़े बड़े पर्स हैं, ये 200 रुपीज़ के हैं। बेसिकली ये एक लेस वाली शॉप है, और ये है भैया का कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पर है एक स्वेटर और कार्डिगन की शॉप, शॉप नंबर 168। यहाँ पे अंकल जी ने बाहर ही अपनी सारी कलेक्शन लगाई हुई है। जितनी भी कार्डिगन्स आप यहाँ पर देख रहे हो, नॉट ओनली कार्डिगन, स्वेटर, जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब कुछ 300 रुपीज़ का है। और ये वाली है थोड़ी सी नी लेंथ तक के स्वेटर, ये भी 300 के मिलेंगे आपको, साड़ी सूट वगैरह पर वेयर करने के लिए। कलर्स इसमें और भी अच्छे हैं इनके पास। ये देखिए, फ़र वाला कोट है, फ़र अच्छा है काफ़ी, क्वालिटी वाइज इट्स गुड। ये 350 का मिलेगा आपको। इसके अलावा इनके पास ये है जीन्स की जैकेट, और ये है ब्यूटीफुल सा फैंसी कार्डिगन फॉर 350 रुपीज़। और ये वेस्ट तक का साइज़ है, नी लेंथ तक का नहीं है। ये जीन्स की जैकेट 800 रुपीज़ की दे रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, क्योंकि हमारे इंद्रलोक में तो आपको पता है ब्रांडेड ही मिल जाता है इतने में, बट क्वालिटी वाइज इट इज़ गुड। ब्लू कलर की जैकेट है तो अंदर ब्लू कलर का ही फर लगा होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो ये वाले अंकल हैं। सो अब मैं आपको ले आई हूँ शॉप नंबर 204 पे, जिनके पास काफ़ी अच्छे स्वेटशर्ट्स हैं गर्ल्स के लिए।
ये सारा भैया ने 150 रुपीज़ में लगाया हुआ है। इसमें भी आपको अलग अलग डिज़ाइंस कलर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में थोड़ा अर्ली लाइक 11-12 बजे विज़िट करोगे तो आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि शाम होते होते तो सब कुछ अच्छा जो है वो सेल आउट हो जाता है। पीछे भी जितना आप देख रहे हो ये सारा 150 रुपीज़ है, और नीचे इन्होंने 100 रुपीज़ की भी सेल लगाई हुई है। इसमें भी ओके स्टफ़ है। ये सारा वूलन है, लॉन्ग भी मिल जाएगा, इसमें आपको शॉर्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी जो स्वेटर्स हैं ये भी सारे 150 के हैं। मंगोलपुरी में मुझे एक सूट्स की शॉप मिली जिसपे सेम वही सूट मिल रहे थे जो मैंने इंद्रलोक में देखे हुए हैं, ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम थे। एंड मैंने उसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला बेटा 1250 का सूट है, आपको 1000 का लगा देंगे। बट एक्चुअली में इंद्रलोक मार्केट में वो सिर्फ 650 रुपीज़ का बिक रहा था, सो आई वॉज़ रियली शॉक्ड। और एक शनील का सूट भी मैंने उन्हीं की शॉप पर पूछा, उन्होंने बोला 2250 रुपये, जबकि इंद्रलोक मार्केट में सेम शनील के सूट शॉल के साथ मैंने आपको दिखाए हुए हैं वो अंकल आपको 600 रुपीज़ का दे रहे थे, और मंगोलपुरी मार्केट में वो भैया 2250 का दे रहे हैं। बट आई डोंट नो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, सेम सूट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कोई बड़ी अलग क्वालिटी है, बिल्कुल सेम था। खैर, तो सूट्स के मामले में मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, वेस्टर्न कलेक्शन ही मैंने आज शूट किया, बट वो सूट के प्राइजेस सुन के तो मुझे हंसी आ गई सच में। तो ये सोनू भैया की शॉप है 204 में, इनके पास आपको पता है बहुत अच्छी ज्वेलरी भी मिलती है। ये देखिए, ये सारा कलेक्शन जो आप देख रहे हो ये सेम सरोजनी नगर में भी मिलता है, तो स्टाइल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये है इनके पास बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स, क्योंकि इयररिंग्स के बिना तो आपका आउटफिट कंप्लीट ही नहीं होता। इसमें एथनिक भी है, वेस्टर्न भी है, कोरियन ज्वेलरी भी भैया के पास आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल जो मैं आपको स्टैंड दिखा रही हूँ ये पूरा 120 रुपीज़ का है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये वाला जो स्टैंड है ये 100 रुपीज़ का है। पिक एनी इयररिंग ऑफ योर चॉइस फॉर जस्ट ₹100। और इनके शॉप का एक नोट लगा हुआ था कि कोई भी माल जो है बिका हुआ है वो भाई वापस नहीं होगा, तो आप जो भी परचेज करें अच्छे से देख के चेक करके ही कीजिएगा। नॉट ओनली फ्रॉम दिस शॉप, कहीं से भी किसी भी मार्केट से हमेशा आप प्रॉपरली उसे चेक करके ही परचेज किया कीजिए। पैसे निकालने से पहले तसल्ली कर लीजिए कि हाँ भाई जो मैंने ख़रीदा है वो बिल्कुल वर्थ है और इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है। तो ये सारी ब्यूटीफुल कलेक्शन है सोनू भैया की दुकान की। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे 120 वाले हैं, दो ही रैक है इनके पास। और ये है इनके पास कोरियन ज्वेलरी, इसमें बस ये जो आगे तीन लगे हुए हैं ये आपको 200 के मिलेंगे, बाकी ये सारे जो डैंगलर्स टाइप हैं ये 150 रुपीज़ के हैं। और इनके पास आपको ये वाली ज्वेलरी मिलेगी 150 रुपीज़ की। देख लीजिए, ठीक है, तो हमेशा सोच समझ के शॉपिंग करनी है। और मुझे इनके पास एक बहुत ही खूबसूरत पासा दिखा, पर ये पासा नहीं है, ये मांगटी का है। आई डोंट नो हु इज़ गोइंग टू वेयर दिस, जो भी पहनेगा उसका फेस ही ढक जाएगा। ये सिर्फ 450 रुपीज़ का है, काफ़ी क्यूट और ख़ूबसूरत है। तो ये इनके पास ज्वेलरी भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये है भैया, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल शाम 9 बजे पार्ट 2 लेकर। बाय बाय।